नमस्कार, मैं सुशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। इस बार एक नए वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। कंटेंट चेंज किया क्योंकि एज यू नो महाराष्ट्र में लॉकडाउन है एंड सैटरडे संडे एंड हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। सो आइए हमारा पहला रिएक्शन वीडियो देखते हैं। जी हाँ, और थंबनेल लेके पता ही चल गया होगा हम लोग आज BTS के ऊपर बनाएंगे। BTS एक्चुअली मैं भी इनके गाने नहीं सुनता, बट बहुत सारे रिकमेंडेशन आए थे कि उनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो ज़रूर बने। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। Look at me, I got a kimiwa. Amari ni hazayakate. Marude sokoni nukato. ये लोग बहुत गोरे होते हैं, ठीक है, बहुत गोरे होते हैं। एंड इनका स्टार्ट बोलूँगा तो अच्छा म्यूजिक है एंड देखते क्या आगे। ये थोड़ा बहुत अरिजीत सिंह के टाइप का लग रहा है मुझे, रोमांटिक, थोड़ा दर्द भरा, अच्छा लग रहा है सुनने में क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एंड मेरे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वो BTS के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, एंड उन्हीं की तरफ से था इसीलिए बनाना पड़ रहा है। जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे गाना कुछ नहीं समझ रहा, बस थोड़ा बहुत स्टोरी ये समझ रहा है कि लाइक इसके कुछ फ्रेंड्स है या फिर पता नहीं फैमिली मेम्बर्स है जो इसे छोड़ के चले गए एंड उस दुख में है बेचारा ये। एंड वर्ड्स तो मुझे कुछ नहीं समझ रहा है बस। हाँ, इसका इनका म्यूज़िक अच्छा है, अगर कॉपीराइट्स ना हो तो इनके म्यूज़िक्स को बैकग्राउंड में यूज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक्स हैं इनके एंड बहुत ही फेमस है। यू नो बॉलीवुड के बहुत सारे सिंगर जैसे अरमान मलिक एंड ये आजकल टीवी में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए। BTS नाइस, आगे देखते हैं।
नथिंग हेट फॉर द BTS लवर्स, बट जेन्युइनली अगर मैं इसका रिएक्शन दूँ तो मुझे वर्ड्स तो नहीं समझे, बट हाँ म्यूज़िक अच्छा था एंड इनका स्टोरी अच्छा था। मुझे थोड़ा बहुत जो हल्का सा स्टोरी समझ में आया कि लाइक वही जो मैंने आपको बताया, फैमिली या फिर कोई फ्रेंड्स है या कोई मोहब्बत है जो छोड़ के चले, मोहब्बत इतने सारे तो नहीं होते हैं, बट ठीक है यार एवरेज, मतलब मुझे कुछ समझा ही नहीं तो मैं एवरेज ही बोलूँगा। म्यूज़िक ठीक ठाक था थोड़ा, एंड वंस अगेन नो ऑफेंस अगेंस्ट BTS लवर्स, क्योंकि इनके इनके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, यू नो लाइक अरमान मलिक इनके गाने गाते हैं, यू नो घर पे सुनते हैं प्रैक्टिस करते हैं, सो आई होप इनके बारे में कुछ तो अच्छा होगा, हम और सुनेंगे तो जानेंगे। तब तक के लिए यही था, बट हम ज़रूर जल्द ही आएंगे हमारे वीडियो लॉग्स के साथ जब ये लॉकडाउन्स कम हो जाएंगे। एंड प्लीज़ गाइस आप घर में रहो, तब तक सेफ रहो, क्योंकि अभी के टाइम पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी 58,000 केसेस आए हैं सिर्फ महाराष्ट्र में, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, सैनिटाइज योर सेल्फ, वेयर द मास्क एंड बी सेफ। तब तक हम अगले वीडियो में मिलेंगे।